झारखंड इस समय वर्तमान समय में कन्वर्जन का भी गढ़ बन चुका है। आदिवासी लड़कियां के साथ जो है दूसरे समुदाय के लोग जो है लगातार शादी कर रहे हैं, दूसरे धर्म के लोग लगातार शादी कर रहे हैं और 3 साल 2 साल 1 साल बाद जो है उनकी हत्याएं हो रही, तस्करी हो रहा है। और अमन कुमार जैसे लोग जो है सड़कों पे आके जब सरकार के आंखों पे जो पट्टी बांधा रहता है उस पट्टी को हटाने का प्रयास करते हैं तो उनको हजारीबाग सेंट्रल जेल में डाल दिया जाता है। और इसी जेल में एक समय जो है ना जयप्रकाश नारायण भी बंद थे और उन्होंने जेल को जो है जेल के दीवालों को फांद के और जब बाहर निकले तो पूरे भारत में सबसे बड़ा क्रांति खड़ा कर दिए। और वही जयप्रकाश नारायण के नाम से वो जो हजारीबाग का जेल है उसी जेल में अमन कुमार को बंद किया गया क्योंकि उसने सरकार के आंखों का पट्टी खोल दिया। सरकार किसी और का है, कल सरकार बदल जाएगी, सरकार आएंगी सरकार जाएंगे, लेकिन आप लोग उसी कुर्सी पर रहिएगा। क्यों? क्योंकि आप लोगों को संविधान ने ये अधिकार दिया है कि आप लोगों को कोई नहीं बदल सकता है जब तक आप लोग ईमानदारी पूर्वक अपने कर्तव्यों का निर्वाह करते हैं। तो ईमानदारी पूर्वक कर्तव्यों का निर्वाह करें और लोगों को इंसाफ दे। और कभी भी तुष्टिकरण का राजनीति सरकार करता है उस राजनीति के झांसे में आप लोग आके किसी निर्दोष को सलाखों के पीछे न डालें। नमस्कार, मैं भाव्या, आप देख रहे हैं इन्फो न्यूज भारत। हमारे साथ जो शख्स जुड़े हुए वो किसी पहचान के मोहताज नहीं है, सन ऑफ बिहार के नाम से इनको जाना जाता है, मनीष कश्यप हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हजारीबाग में अगर ये आए हैं झारखंड के हजारीबाग में, सबसे पहले जानेंगे उद्देश्य क्या है यहाँ उपस्थित रहने का, उसके बाद आगे और सारी बातों पर चर्चा करेंगे। पहले तो आप ये बताइए कि हजारीबाग इतने समय, ये तो दर्शकों को पता है कि हजारीबाग से आपका पुराना ताल्लुकात रहा है, लेकिन इतने दिन बाद यहाँ पे पुनः उपस्थित रहने का कारण? देखिए, मैं जेल से निकला उसके बाद से चुनाव था, चुनाव में मैं लगा हुआ था, उसके बाद से मुझे पता चला कि मेरा भाई जो है अमन कुमार जो है, और जब मैं सलाखों के पीछे था तो उन्होंने मेरा बहुत मदद किया था, वो जेल के अंदर है। उसके बाद से जो है मैं सोमवार को ही आने वाला था, क्योंकि सोमवार को मैं आता तो यहाँ पे कर्फ्यू लगा हुआ था, तो इसलिए जो है मैं टिकट ले लिया था, मैंने अपना टिकट कैंसिल कराया और मैं सोमवार को नहीं आया। उसके बाद से परिजनों से बातचीत हुआ तो इन लोगों ने बोला मुझे कि आप शुक्रवार या शनिवार को आइए, तो मैं शुक्रवार को रात में चला आया। अभी जो है उपदेश राणा भी थोड़ी देर में यहाँ पे आने वाले हैं, वो भी जो है गुजरात से चल के आ रहे हैं, वो भी अमन कुमार का मदद के लिए। झारखंड की राजनीति ऐसी हो गई है कि इसमें जो है जो सोरेन परिवार है वो पूरा जो है तुष्टिकरण की राजनीति करता है पूरा। उसको एक तो तुष्टिकरण की राजनीति करना है और दूसरा लूट की राजनीति करना है। झारखंड के लोगों का संसाधन लूटता है, उसके बाद से जो एक धर्म विशेष के लोग हैं जैसे हिंदू धर्म के लोग हैं उनके साथ जो है तुष्टिकरण करता है। तो इन सब चीजों को जो है पटल पे लाने के लिए, लोगों को दिखाने के लिए, बताने के लिए, समझाने के लिए मैं यहाँ पे आया हूँ। 42 साल से एक गांव में जो है रामनवमी का जुलूस नहीं निकलता है, उस गांव में जो है हिंदू रहते हैं, मुसलमान में भी रहते हैं, मुसलमान भी रहते हैं। 42 साल से रामनवमी का जुलूस नहीं निकलता है, उस 42 साल के दौरान ईद मनता है, कर्फ्यू नहीं लगता है, बकरीद मनता है, कर्फ्यू नहीं लगता है, मुहर्रम मनता है, कर्फ्यू नहीं लगता है, लेकिन रामनवमी के जुलूस के लिए कर्फ्यू लगा दिया जाता है। जरा सोचिए तब कैसे ये लोग बोलते हैं कि हम संविधान की रक्षा करेंगे। ये लोग तो संविधान को बर्बाद करने वाले सबसे बड़े नेता है। और इसी का रीजन है कि आप जब तुष्टिकरण की राजनीति कीजिएगा तो सलाखों के पीछे जाना पड़ेगा, और झारखंड के पूर्व सीएम अभी सलाखों के पीछे है। मतलब कि आपका साफ साफ कहना है कि उनके जेल जाने के पीछे, अमन कुमार के जेल जाने के पीछे कहीं ना कहीं विपक्ष का या फिर जो भी सरकार में बनी हुई है जो पार्टी उसका हाथ है। देखिए, तुष्टिकरण की राजनीति है। ये लोग समझते हैं कि हमारे पास जो वोट बैंक है वो पर्टिकुलर वोट बैंक है और उसको हम लोग खुश करेंगे। आज यहाँ पे मैं एक बात बोल रहा हूँ, आदिवासी लड़कियों का किडनैपिंग हो रहा है, आदिवासी लड़कियों के साथ जो है एक पर्टिकुलर धर्म विशेष के लोग शादी कर रहे हैं और 3 साल 4 साल बाद उसकी हत्या कर दे रहे हैं, क्योंकि नियम है कि आदिवासी अपना संपत्ति बेच नहीं सकते हैं, इसलिए उस लड़की से शादी करके और उसके बाद से उसको 3 साल बाद मार दे रहे हैं, और उस 3 साल के दौरान उसकी संपत्ति जो है, जो लड़का है वो अपने नाम पे, पति के रूप में जो लड़का बन रहा है वो अपने नाम पे करा ले रहा है। खूब हो रहा है झारखंड में, खूब। यहाँ पे जो है चौपारण जो जगह है वहां पे गौ तस्करी का मतलब कि गढ़ बन गया है, जैसा कि यहाँ के सांसद महोदय ने कहा। मैं अपनी बातें नहीं कर रहा, मैं एक उस व्यक्ति की बातें कर रहा हूँ जो सदन में है, जो सांसद है, उनकी बातें कर रहा हूँ। अब जरा बताइए, यहाँ के आदिवासी समाज के लोग भी जो है ना वो सोरेन सरकार से खुश नहीं है, वो सोरे इस प्रकार से तुष्टिकरण हो रहा है। जरा सोचिए, कब तक आप एक पर्टिकुलर लोगों को खुश करने के लिए इस प्रकार से काम करते रहेंगे?
तो ये सारी चीजें हैं और धर्मांतरण के लिए, कन्वर्जन के लिए यहाँ पे जो है ना अरबों रुपया खर्चा किया जा रहा है। एक बार सीबीआई जांच होना चाहिए झारखंड में कि कन्वर्जन में सरकार कितना संलिप्त है। सरकार के बहुत सारे विधायक और दूसरे पार्टी के बड़े बड़े नेता जो है कन्वर्जन के लिए पैसा लेते हैं और कन्वर्जन कराते हैं। तो झारखंड इस समय वर्तमान समय में कन्वर्जन का भी गढ़ बन चुका है। आदिवासी लड़कियां के साथ जो है दूसरे समुदाय के लोग जो है लगातार शादी कर रहे हैं, दूसरे धर्म के लोग लगातार शादी कर रहे हैं और 3 साल 2 साल 1 साल बाद जो है उनकी हत्याएं हो रही है, अक्सर जो है अखबारों में आता है। गौ तस्करी हो रहा है और अमन कुमार जैसे लोग जो है सड़कों पे आके जब सरकार के आंखों पे जो पट्टी बांधा रहता है उस पट्टी को हटाने का प्रयास करते हैं तो उनको हजारीबाग सेंट्रल जेल में डाल दिया जाता है। और इसी जेल में एक समय जो है ना जयप्रकाश नारायण भी बंद थे और उन्होंने जेल को जो है जेल के दीवालों को फांद के और जब बाहर निकले तो पूरे भारत में सबसे बड़ा क्रांति खड़ा कर दिए। और वही जयप्रकाश नारायण के नाम से वो जो हजारीबाग का जेल है उसी जेल में अमन कुमार को बंद किया गया क्योंकि उसने सरकार के आंखों का पट्टी खोल दिया था। अच्छा, बिहार से यहाँ पर आया है स्पेशली अमन कुमार के लिए और वो कहीं कहा जाता है हिंदुत्व के प्रचारक है, हिंदू धर्म को बचाने का कार्य करते हैं, फैलाने का कार्य करते हैं। अभी जैसे कि आपने कहा कि यहाँ पर धर्मांतरण होता है महिलाओं के साथ से शादी करके उसके बाद फिर उसे मार दिया जाता है, अपना प्रॉपर्टी उसका प्रॉपर्टी अपने नाम कर लिया जाता है। आप यहाँ समस्याओं को तो हाईलाइट कर रहे हैं लेकिन यहाँ पे आप सिर्फ एक चीज के लिए आए हैं और यहाँ बाकी समस्याओं का क्या? आप अगर एक समस्या के लिए बात उठाने के लिए आए हैं, झारखंड में आए हैं स्पेशली, तो बाकी समस्याओं को आप कैसे देखिएगा और बाकी समस्याओं पे कैसे बात कीजिएगा? देखिए, धरती पे जो है करोड़ों प्रकार की समस्या है, हमें और जो जो पता चलेगा उस पे हम बात करेंगे। हमने जो है तुष्टिकरण पे बात किया है, हमने जितना भी टॉपिक रखा है, जितना भी पॉइंट रखा है उसमें कहीं जो है मैं पॉइंट से बाहर नहीं गया हूँ। मैं तुष्टिकरण बताया हूँ कि किस प्रकार से तुष्टिकरण होता है, गौ तस्करी होता है यहाँ पे, कन्वर्जन होता है यहाँ पे, आदिवासी लड़कियों के साथ दूसरे समुदाय दूसरे धर्म के लोग शादी करते हैं फिर उसे मार देते हैं, और इन सब चीजों से रिलेटेड है अमन कुमार जो इन सब चीजों का लिए आवाज उठाता है तो उसको जो है सलाखों के पीछे डाल दिया जाता है। रामनवमी का जुलूस निकाला जाता है तो उसको सलाखों के पीछे डाल दिया जाता है। तो तुष्टिकरण जो है झारखंड सरकार के रगों में बस चुका है और इसका साक्षात प्रमाण जो है सबके पास है। तो उम्मीद है कि झारखंड सरकार जो है सोई हुई सरकार जो है वो जगेगी, अगर नहीं जगेगी तो हम लोग जो है झारखंड सरकार को जगा देंगे और 3-4 महीना बाद यहाँ पे चुनाव है, 5 महीना बाद यहाँ पे चुनाव है और जिस कुर्सी पे बैठ के जो है मलाई ये लोग खा रहे हैं वो कुर्सी जो है हम लोग इन लोगों के नीचे से सरकार देंगे। अच्छा, अगला कदम क्या होगा आप लोगों का अमन कुमार का जेल से निकलना? नहीं, अमन कुमार को तो जेल से निकलवाना ही है। अमन कुमार को जेल से निकलवाने के बाद झारखंड सरकार के गलत नीतियों के कारण जो यहाँ के आदिवासी वर्ग के लोग परेशान हैं उनके लिए भी काम करना है, जो गौ तस्करी हो रहा है उसके लिए भी काम करना है, जो यहाँ के गरीब लोगों को जो है सरकारी योजनाएं नहीं मिल पा रही है, चाहे किसी भी समाज के लोगों गरीब लोगों को सरकारी योजनाएं नहीं मिल पा रही है, ब्लॉक में भ्रष्टाचार है, हॉस्पिटल में जो है भ्रष्टाचार है, हॉस्पिटल में इलाज नहीं हो पा रहा है, उसके लिए भी काम करना है। और जो झारखंड में जो है माइनिंग को जो है लूट का अड्डा बना दिया गया है झारखंड सरकार के द्वारा, अभी कुछ दिन पहले जो है एक आईपीएस आईएएस अधिकारी जो है पकड़ी गई थी और उसके बाद से उन्होंने सबूत दिया तो यहाँ के सीएम साहब अभी जेल में बंद है, पूर्व सीएम साहब अभी जेल में बंद है। तो ये सारी चीजों पे भी हम लोग बात करेंगे लेकिन पहले हमारा प्राइमरी फोकस है कि भाई को किसी भी हाल में सलाखों के से बाहर निकाला जाए। और प्रशासनिक अधिकारियों से मैं विनती करना चाहता हूँ कि आप लोग निष्पक्ष तरीके से काम करें। आज सरकार किसी और का है, कल सरकार बदल जाएगी, सरकार आएंगी सरकार जाएंगे, लेकिन आप लोग उसी कुर्सी पर रहिएगा। क्यों? क्योंकि आप लोगों को संविधान ने ये अधिकार दिया है कि आप लोगों को कोई नहीं बदल सकता है जब तक आप लोग ईमानदारी पूर्वक अपने कर्तव्यों का निर्वाह करते हैं। तो ईमानदारी पूर्वक कर्तव्यों का निर्वाह करें और लोगों को इंसाफ दे और कभी भी तुष्टिकरण का राजनीति सरकार करता है उस राजनीति के झांसे में आप लोग आके किसी निर्दोष को सलाखों के पीछे न डालें। अच्छा, क्या लग रहा है इस बार झारखंड का जो सरकार है, जो पार्टी है, वो तख्ता पलट होगा? क्योंकि आप जैसे कह रहे हैं कि आदिवासी लोग भी यहाँ की सरकार से खुश नहीं है। देखिए, सबसे पहले तो मैं कह देना चाहता हूँ सोरेन परिवार जो है एक ऐसा परिवार है जो जिन लोगों के लिए राजनीति करना शुरू किया, जिन लोगों के नाम पे राजनीति किया, सबसे पहले उन्हीं लोगों को लूटा। सोरेन परिवार ने सबसे पहले उन्हीं लोगों को लूटा। आखिर सन मतलब कि 23-24 साल हो गया झारखंड को अलग राज्य बने हुए। झारखंड के पास जो है पूरे भारत में सबसे ज्यादा खनिज संपदा है, तो झारखंड के लोग सबसे ज्यादा अमीर होने चाहिए।
और इस बीच में सबसे ज्यादा सोरेन परिवार जो है वो सत्ता के शीर्ष सिंहासन पे था। हेमंत सोरेन हो या शिबू सोरेन हो या भी जो है उनके भाई साहब हो चंपाई सोरेन हो, सबसे ज्यादा मुख्यमंत्री इनके परिवार से तीन आदमी मुख्यमंत्री बने सबसे ज्यादा दिन तक ये लोग। तो सबसे ज्यादा आदिवासियों का कंडीशन सुधारना चाहिए। आप जाके आदिवासियों से इंटरव्यू लीजिए, आदिवासी लोगों का भी हाथ इन लोगों ने मार लिया, इन्हीं लोगों ने मार लिया, ये सच्चाई है। तो अब जो है यहाँ के लोगों में एक रोष है, तुष्टिकरण की राजनीति करते हैं ये लोग। रामनवमी का जुलूस जो निकाल देता है उसको जेल में डालवा देते हैं, गौ तस्करों को बढ़ावा देते हैं, आदिवासियों को लूट लेते हैं, गरीबों को लूट लेते हैं ये लोग। उसके अलावा हॉस्पिटल में व्यवस्था नहीं दी है, ब्लॉक में भ्रष्टाचार है, यहाँ पे माइनिंग में जो है भ्रष्टाचार है, पूरे भारत में सबसे ज्यादा माइनिंग जो है वो झारखंड में, माइनिंग में भ्रष्टाचार है। इन सब चीजों को देखते हुए झारखंड के लोगों ने मूड अभी ही बना लिया है कि इस बार जो है सोरेन परिवार और सोरेन परिवार के साथ जो कांग्रेस पार्टी जो है, जो एक साथ दोनों लोग मलाई खा रहे, ये लोग जो है सत्ता में नहीं आएंगे।